मैं ताराचंद शर्मा नादान आज साहित्य आज तक के इस साहित्यिक महाकुंभ में शेयर करने के लिए आया, तो शब्दांकुर प्रकाशन पर पहुंचा और वहां पहुंचते ही मुझे एक बहुत अच्छी किताब मेरे हाथ में आई। उस किताब का नाम है अंतराल। एक कविताओं की किताब है जिसकी लेखिका हैं अंजना जी। अंजना जी की काफ़ी सारी कविताओं के ऊपर नज़र डाली तो बहुत अच्छी कविताएं उन्होंने, बहुत ही गंभीर कविताएं भी और हल्की फुल्की बच्चों की कविताएं भी, और साथ में गांव, देश, शहर सब चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्रकाश डाला है। कविताओं में उन्होंने कश्मीर में हो रहे खून खराबे पर भी जिक्र किया है और गाँवों में हो रहे बदलावों के ऊपर भी जिक्र किया है। एक पिता जिसका बेटा फौज में है, वो सीमा पर ठहरा हुआ है, उसके ऊपर भी जिक्र किया है, और बच्चों की छोटी छोटी चिड़ियाओं के साथ आँख मिचोली खेलते हुए भी कविताएं लिखी है। तो बहुत अच्छी कविताएं, मन को छूने वाली कविताएं हैं, और कुछ कविताएं तो इतनी मर्मस्पर्शी हैं कि भीतर तक लग जाती हैं, जाके दिल में लगती हैं जाके। इन कविताओं को पढ़ते पढ़ते मुझे, जैसा कि मैं गाँव से बहुत जुड़ा हुआ हूँ, और गांव के ऊपर उनकी एक कविता की चार पंक्तियां मुझे बहुत प्रभावित कर गई, वो मैं आपके सामने पेश करता हूं। कि जिस आंगन में सुनाई देती थी कभी हुक्के की गुड़गुड़, देखिए कितने ज़मीन से जुड़े हुए शब्द हैं उसमें, कि जिस आंगन में सुनाई देती थी कभी हुक्के की गुड़गुड़, आज वहां पानी के मोटर का शोर है। और रहट पर करता था जब बहता पानी कलकल, आज खेतों में ट्रैक्टर और ट्राली का दौर है। तो कितना बदलाव आ गया, जो ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें थी वो धीरे धीरे सिमटती जा रही हैं, और विकास के नाम पर या आधुनिकता के नाम पर बहुत कुछ बदलाव आता जा रहा है, जो इन कविताओं में पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा और समझने को मिलेगा। मैं अंजना जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस सुंदर काव्य कृति के लिए। बहुत बहुत बधाई अंजना जी, और बहुत बहुत बधाई शब्दांकुर प्रकाशन।